पित्त की थैली के मरीज मेरे पास आते हैं जिनको कि पित्त की थैली में पथरी होती है, और उनका एक अक्सर सवाल रहता है कि पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। इसके बारे में मैं आपके साथ आज खुलासा करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर साकेत गोयल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली में एक वरिष्ठ सर्जन हूँ, और यहाँ पे मैं अंदाजे से 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा अंदाजे से 25 से लेकर 30 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। नमस्कार। तो जो मरीज़ आते हैं वो बहुत ही चिंतित होते हैं कि वो अगर ऑपरेशन कराएंगे तो उसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे अपने ऑपरेशन के बाद, क्योंकि आज की डेट में उनको रिपीटेडली बार बार स्टोन की वजह से, पित्त की थैली के अंदर पथरी की वजह से पेट में दर्द रहता है, उल्टी की फीलिंग रहती है, उनको नौजिया होता है, और खाना ठीक से नहीं पचा पाते हैं, बहुत ही गैस बनती है। एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो वो ये सब सिम्टम्स उनके, ये सब उनकी जो परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, वो अपना बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। आजकल हम ये ऑपरेशन दूरबीन की पद्धति के द्वारा, जिसे हम लोग लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं, उससे करते हैं, जो कि एक एडवांस्ड टेक्निक है इसको ऑपरेशन करने की। इसके अंदर मरीज़ का छोटा छोटा कट किए जाते हैं 0.5 to 1 centimeter के, मतलब आधे से 1 centimeter के बीच के कट किए जाते हैं, जिसके अंदर हम दूरबीन डाल के पित्त की थैली को देखते हैं और पित्त की थैली को निकाल देते हैं। कभी कभी लोगों का ये विचार रहता है कि हम सिर्फ पथरी ही क्यों नहीं निकाल देते, हम पूरी पित्त की थैली क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पित्त की थैली में बार बार पथरी बनने का खतरा होता है, और पित्त की थैली ठीक से हील नहीं हो पाती है। जब गुर्दे में पथरी होती है तो उसके अंदर सिर्फ पथरी निकाली जाती है, गुर्दा नहीं निकाला जाता है। तो गुर्दे की पथरी में और पित्त की थैली के पथरी में ये फ़र्क होता है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को हम 1 या 2 दिन के लिए अस्पताल में रखते हैं, उसको हम नॉर्मल खाना पीना खिलाना शुरू कर देते हैं उसी दिन शाम से या अगले दिन सुबह से। चलना फिरना वो शाम से ही शुरू कर सकता है, और अपना नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर वो 1-2 दिन के अंदर जा सकता है। कुछ दिनों के लिए हम उसको बोलते हैं कि आप खाने में थोड़ा हल्का ही खाना खाइए, जिससे कि जो आपका ऑर्गन निकल गया है उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है, वो बाकी बॉडी के ऑर्गन जैसे लिवर टेक ओवर कर लेता है, और फिर आप नॉर्मल खाना पीना भी खा सकते हैं।